ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में बड़ा फैसला आया है। जिला जज ने व्यास जी तय खान में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दे दिया है। इसके लिए कोर्ट ने 7 दिन में व्यवस्था करने का आदेश दिया है। बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार साल 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था, लेकिन उसी समय तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान 17 जनवरी 2024 को जिला प्रशासन ने तहखाने को कब्जे में लिया था। ASI सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आया है। अब जानते हैं कि ज्ञानवापी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा कानून है। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर भव्य हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए। ASI की 839 पेज की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कानूनी जानकार बताते कि हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसकी राह में कानूनी अड़चने भी हैं। सबसे बड़ा रोड़ा 33 साल पुराना पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। अब बात करते हैं कि आखिर पूजा स्थल कानून या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, यह कब लागू हुआ और लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल कानून साल 1991 में बना। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस भी धर्म का जो पूजा स्थल था, उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब सवाल यह कि आखिर पूजा स्थल कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी है। साल 1990 के दशक में आंदोलन चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र की VP सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। हालांकि चंद्रशेखर की सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नए सिरे से चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आई। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंदिर आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था। अयोध्या के अलावा देश में और कई जगहों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा था। सरकार ने इस विवाद पर विराम लगाने के लिए कानूनी रास्ता खोजना शुरू किया और उसकी खोज पूजा स्थल कानून पर जाकर खत्म हुई। कांग्रेस सरकार ने मंदिर मस्जिद विवाद पर विराम लगाने के लिए पूजा स्थल कानून बना दिया। इस कानून में 15 अगस्त 1947 की डेट कट ऑफ के तौर पर तय कर दी गई। साल 1991 में जब यह कानून लाया गया, तब विवादित बाबरी ढांचे का मामला न्यायालय में लंबित था, इसलिए बाबरी को इस कानून से छूट मिल गई। हालांकि अगले साल यानी 1992 में विवादित बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दशकों तक मामला चला। आखिरकार 2019 में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया। साल 1991 में जब कांग्रेस सरकार यह कानून लेकर आई, तब भी BJP ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तब अरुण जेटली, मां भारती जैसे नेताओं ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि कानून पास हो गया था, एक वर्ग अब भी कानून पर सवाल उठाता रहा है। उनका कहना है कि साल 1947 से ठीक पहले तमाम पूजा स्थल तोड़े गए, उन्हें दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में 15 अगस्त 1947 का कट ऑफ तार्किक नहीं है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।